आज देखिए हम बना रहे हैं आलू लच्छा चाट और ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और इनको बिना उबाले हुए और बिना झंझट के और बहुत कम तेल में बना के मैंने तैयार किया है। तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आलू लच्छा चाट बनाना शुरू करते हैं। तो लच्छा चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलूओं को लेके अच्छे से इसको कस लेंगे और इसको नमक के पानी में हम भिगो के रखेंगे, तो इससे हमें उबालना भी नहीं पड़ेगा और पानी में जो स्टार्च है इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है आलू लच्छा चाट बनाने के लिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी आलू लच्छा चाट बनाइएगा और जो इसका स्टार्च है इसको निकालने के लिए हम इसको 2 से 3 बार पानी से धुलेंगे और वो भी ठंडे पानी से। तो इस तरीके से आपको कपड़े से भी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छन्नी से ही छान लेंगे बहुत आसानी से और लच्छा चाट बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होंगे। तो इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार करेंगे तभी चाट हमारे कुरकुरे बनेंगे। दो से तीन बार धुलने के बाद आप इसको नमक मिले हुए पानी में थोड़ी देर भिगो के रख देंगे, तो इस तरीके से आपको इसको उबालना भी नहीं पड़ेगा लच्छों को। तो अब थोड़ी देर बाद इसमें मिला देंगे थोड़ा सा हल्का सा और नमक, हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते नहीं भी डाल सकते हैं। और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ये बहुत ही ज़रूरी है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये चाट। और ये शादी वाली चाट और जो स्ट्रीट में चाट मिलती है सेम उसी तरीके से बन के तैयार होगी। तो इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आप बहुत ही आसानी से आलू लच्छा चाट बना सकते हैं और वो भी घर में और बहुत ही कम तेल में और बहुत ही जल्दी। इसको हम लोहे के तवे में बनाएंगे तो लोहे के तवे पर भी बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो उसके लिए बड़े तवे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम तेल से देखिए मैं बना रही हूँ इस रेसिपी को। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए हमारी टिक्की थोड़ा क्रिस्पी होगी, इसको आप और भी क्रिस्पी कर सकते हैं अगर आपको और तेल उसमें डालना है। तो देखिए हमारी आलू लच्छा चाट बन के तैयार है। अब इसमें चलिए हम डाल देते हैं चाट के बेसिक मसाले। तो बेसिक मसालों में हमने ले रखा है जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, कूटा हुआ लाल मिर्च और थोड़ा सा जो भी बेसिक मसाले होते हैं। ये देखिए हमने खट्टी मीठी अमचूर पाउडर की चटनी बनाई, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो चलिए चाट में सभी चीज़ों को डाल देते हैं और इस रेसिपी को आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आलू लच्छा चाट किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो देखिए इसी तरीके से अब हम इसमें बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो हरी मिर्च हम इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको बनाते हुए समय इसमें हरी मिर्च डाली थी। अब इसमें डाल देते हैं चटनी और थोड़ा सा दही, और दही भी हमने घर में ही जमाई है तो उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो देखिए हमारी चाट बन के तैयार है। आप इसमें प्याज के अलावा और भी जो है मूली वगैरह ये भी सब डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें अगर आपके पास अनार के दाने रखे हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास थे नहीं। तो इसी